दोस्तों आज आपके सामने है कि एक इम्पॉर्टेंट माइनिंग के बारे में अपडेट देने वाला हूं, जो है कैंडी पॉकेट। सब लोग माइनिंग करते रहेंगे, ठीक है, और इसमें विड्रॉल का प्रोसेस में सब लोगों को एरर्स आ रहे हैं, बहुत इश्यू आ रहे हैं। साथ ही में इसमें है कि कैसे KYC करनी है, क्योंकि पहले ऐसे ही विड्रॉल दे रहे थे, अभी KYC के बिना विड्रॉल नहीं दे रहे। तो आज की वीडियो में हम इसमें साइनअप कैसे करने वो भी जानेंगे, और कैसे हमको विड्रॉल लेने जो भी टोकन रहेंगे वो सीधा बायबिट एक्सचेंज में, उसके बारे में भी कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठो और पूरी वीडियो कंप्लीट देखो। आप सबको पता ही है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि ईजिली कोई भी इसमें समझ सकता है। और सेकेंड अपडेट देने वाला हूँ गाइस केक कोर के बारे में। बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं केक कोर का क्या है, रियल या फेक है, तो इसका भी इसमें कंप्लीट वीडियो में आपको आंसर दूंगा, जो रहेगा क्लियर आंसर दूंगा। ऐसा नहीं कि ऊट पटांग आंसर या फिर जलेबी जैसा, नहीं, सीधा आंसर देने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गाइस है कैंडी पॉकेट। अभी कैंडी पॉकेट में विड्रॉल का आपको बहुत सारा इश्यू है, मैं लाइव पूरा कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे विड्रॉल लेना है, कैसे बायबिट के अंदर डायरेक्ट ले सकते हो एक्सचेंज के अंदर। और इसके अंदर एक स्पेशल इवेंट भी चल रहा है। इवेंट ऐसा चल रहा है कि आपको इंस्टेंट 100 के ये कैंडी टोकन, 50 कैंडी टोकन, 5 कैंडी टोकन, 20 कैंडी टोकन और 30, मतलब टोटल आपको 200 कैंडी टोकन आराम से मिलने वाले। कैसे मिलेंगे वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस पहले जान लेते हैं साइनअप कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग न्यू यूज़र सोचते हैं कि हम भी कुछ प्रॉफिट कमा पाए। इसमें अभी भी है कि विड्रॉल मिल रहा है और डायरेक्ट विड्रॉल कर सकते हैं गाइस बायबिट के अंदर। तो अभी भी माइनिंग हो रही है बिल्कुल फ्री में। तो कैसे माइनिंग करना है, तो पहले साइनअप का थोड़ा कुछ बता देता हूँ न्यू यूज़र को, उसके बाद इसमें विड्रॉल का भी बताऊँगा और केक कोर का भी पूरा कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ। सिंपल, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की, उस पर क्लिक कर देना, पहली लिंक रहेगी। इस पर क्लिक करते ही आपको क्रोम ब्राउज़र में इस तरह का ओपन हो जाएगा। इधर आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है और इधर गेट वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना है। आपके ईमेल एड्रेस पे एक कोड आएगा, वो इधर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद ये ऐसे ही रहने देना और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। वो होने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका है कि ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालते ही आपका लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अभी होने के बाद मेनली इसमें पूरा प्रोसीजर बताने से पहले बोल देता हूँ कि इसमें माइनिंग कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें माइनिंग इस तरीके की स्टार्ट होगी कि आप ध्यान से अभी देखोगे वीडियो तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। इधर रन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। समझो रन के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये वाला पेज दिखाई दे रहा है इन ऑपरेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक आप समझ गए। अभी ये क्लिक करने से आपकी माइनिंग तो होगी, बट आपको टोकन क्लेम करना है डेली के डेली। तो आपको हर 24 घंटे के अंदर इधर ओपन सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है हर 24 घंटे में, ठीक है। रन पे भी और ओपन पे भी हर 24 घंटे में क्लिक करना है, समझ गए। और यहाँ पे आपको है कि वॉलेट सेक्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करते आपके जितने टोकन माइनिंग हो रहे हैं वो दिखाई देंगे, कितने USDT की बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी आज ही जो स्टार्ट किया है आपको दिखा दिया कितना USDT का बन रहा है, 2.7 USDT का बन रहा है। इनको वगैरह विड्रॉल कैसे लेना वो कंप्लीट दिखाऊंगा, बट इन सबसे पहले केक कोर के बारे में कुछ अपडेट दे देता हूँ। तो गाइस केक कोर की अपडेट ये है कि इसके बारे में वीडियो है कि मैंने आपको 2 से 3 महीने पहले आपको दे दी थी, बट इश्यू आपको बता रहा हूँ। मेरा अकाउंट बैन कर दिया था इन्होंने, इसलिए मैं माइनिंग नहीं कर रहा हूँ। बैन मतलब डिलीट ही कर दिया इन्होंने, ठीक है, इसलिए मैं माइनिंग नहीं कर रहा हूँ। और गाइस आपकी अगर माइनिंग हो रही है तो कंटिन्यू रखो, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही, ठीक है। अभी चलते हैं मेनली गाइस कैंडी पॉकेट के बारे में। कैंडी पॉकेट का आपने समझो साइनअप कर लिया, माइनिंग स्टार्ट कर ली। अभी आपको क्या करना है कि इधर आपको एक नीचे वॉलेट का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी जो भी माइनिंग होती रहेगी इधर दिखाती रहेगी, ठीक है। बट अभी आपको इधर सबसे पहला काम, माइनिंग स्टार्ट करने के बाद एक सबसे पहला काम करना है, वो है आपको इधर विड्रॉल सेक्शन दिखाई दे रहा है। आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। विड्रॉल है, विड्रॉल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको ये बोलेगा कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेटअप करने के लिए, तो गो टू सेटअप पे ये पहले काम कर लेना सबसे पहले, ठीक है। तो आपको इधर पूछेगा प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करोगे तो जिस ईमेल एड्रेस से आपने बनाई है आईडी उधर आपको एक कोड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर दिया, इस तरह का कैप्चा आएगा, इसको ला के इधर रख देना है। रखने के बाद अभी हमको कोड आ जाएगा, ठीक है, और हमको ये स्लाइड करना है। देखो ये पूछ रहा है, ये स्लाइड करने के लिए स्लाइड कर दिया, कोड आ रहा है 60 सेकंड में, इधर कोड डाल देना है और फिर पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है। और ये पासवर्ड याद रखना, भूलना मत, और नंबर्स में डालना है, नंबर, सिर्फ नंबर, ठीक है, 6 डिजिट का। तो
तो अभी बोलोगे आपके पासवर्ड का ये कोड कहाँ है रहेगा गाइस, आपके ईमेल एड्रेस पे इधर 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, या स्पैम फोल्डर रहता है इसके ऊपर क्लिक करो, आपका जो भी रहेगा गाइस स्पैम फोल्डर में आएगा, ठीक है। तो देखो स्पैम फोल्डर में ये आया हुआ है, तो इधर हम इधर से इधर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया, पेस्ट होने के बाद पासवर्ड डाल देंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। देख लो आप 6 डिजिट का पासवर्ड डालना है, मतलब नंबर, ठीक है, 6 डिजिट का, और कन्फर्म है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटअप सक्सेसफुल आ गया है, तो हमारा ये पासवर्ड कन्फर्म हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये कन्फर्म होने के बाद इधर है कि ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए, और ये KYC है, ये भी करना ज़रूरी है। अभी विड्रॉल विदाउट KYC नहीं दे रहे, तो सेकेंड चीज़ हमको क्या करना है, इधर KYC है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एंटर योर नेम, रियल नाम लिखना है, जहाँ पे आपका रियल नाम है पूरा, ठीक है, जैसे भी नाम है आपका रियल इधर लिख देना है। एंटर आईडी नंबर करके लिखा हुआ है, आईडी नंबर क्या रहता है, पासपोर्ट आईडी या फिर जो भी आईडी रहती है वो आपकी आईडी इधर लिख देनी है। और सिलेक्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, तो इधर क्लिक करते हमको फ़िलहाल बाईबिट अकेला नज़र आ रहा है, तो बाईबिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिखा है एंटर एक्सचेंज UID, तो ये कौन सी UID रहती है, बाईबिट की, बाईबिट में जाके UID लेके आना। आप अभी माइनिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, आपकी भी KYC नहीं होगी 12 दिन तक। क्यों नहीं होगी, कि इनका अभी पॉपअप एक आया था, मैंने पूरा फिलअप किया था, पॉपअप आया कि आपकी माइनिंग 12 डेज तक होनी चाहिए। मैंने तो आज ही स्टार्ट किया, तो 12 डेज होते ही आपको KYC करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तब तक हमारे कुछ टोकन भी हो जाएंगे और हम विड्रॉल भी कर पाएंगे, इसलिए अभी तक मेरे एक भी रेफ़र नहीं है, सीधा बात बोल रहा हूँ, एक भी रेफ़र नहीं है मेरे, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक भी रेफ़र नहीं है, फिर भी है कि हमारे पास इतने टोकन आ चुके हैं फिलहाल। अभी मेनली आपको विड्रॉल का प्रोसेस समझा देता हूँ, KYC का भी आपको समझा चुका हूँ कि 12 डेज तक, 12 दिन तक माइनिंग होगी, उसके बाद आपका KYC करने का अवेलेबल रहेगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते हो। अभी देखो विड्रॉल का हमने सेटअप कर लिया, तो इधर हमारे क्या रहता है, दो पूल रहता है, एक तो गाइस ये वाला पूल है POW असेट, एक पूल असेट। तो हमको, हम जो माइनिंग कर रहे हैं गाइस वो हमारा प्रूफ ऑफ वर्क में रहता है, तो हमको ट्रांसफ़र करना है प्रूफ ऑफ असेट में, तभी जाके हम विड्रॉल कर पाएंगे। तो सिंपल POW असेट पे क्लिक कर देना है। देखो कितने इधर मेरे दिखाई दे रहे हैं, 3 कैंडी टोकन, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है, किस में गाइस, प्रूफ ऑफ असेट में। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रांसफ़र ऑप्शन, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। टैप करके आपको इधर क्या लिखना है, ट्रांसफ़र ऑल। मेरे अंदर इधर गाइस नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम लगता है, मतलब 24 घंटे, एक माइनिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद 24 घंटे के बाद आपके इधर टोकन रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इधर आपको ऊपर सेलेक्ट करना है प्रूफ ऑफ असेट, ठीक है, POW असेट। और यहाँ पे आपको जब टोकन आपको इधर ये वाले सेक्शन में कैंडी टोकन दिखाई देंगे, तभी आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करो, ठीक है। इधर ये सिलेक्ट करना रहता है, इधर आप मैक्स करके सिलेक्ट कर लोगे, या फिर 10-20 जो भी ये लिख दोगे, उसके बाद इधर कंफर्म है, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो आपके ये वाले सेक्शन पर आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले सेक्शन पर आने के बाद आपको अभी विड्रॉल है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी नेक्स्ट पेज ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला खुलने के बाद आपको इधर दिखाई देगा कि कितने अमाउंट विड्रॉल करने हैं, हमारे 0 दिखाई दे रहे हैं, तो इधर अगर 10 दिखाई देंगे तो 10 लिख देना है। और विड्रॉल एड्रेस कहाँ से लेके आएंगे, सिंपल बाईबिट से, आपको सिंपल बाईबिट पे आना है, आपका अकाउंट ऑलरेडी है। इधर आने के बाद असेट्स है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिपॉजिट है, डिपॉजिट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद ऊपर सिर्फ सर्च कर देना है कैंडी करके, ठीक है, टोकन का नाम कैंडी है, तो देखो कैंडी पॉकेट आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपको इधर देखो ये कॉपी करने का एड्रेस आ गया है, और ये कौन सा नेटवर्क पे है, मैटिक नेटवर्क पे, ठीक है, पॉलीगॉन मैटिक नेटवर्क पे ये कॉपी का एड्रेस है, इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद उधर जाके पेस्ट कर देना। तो फिर से इधर आने के बाद इधर आपने लिख दिया भाई 100 है तो 100 कैंडी टोकन, और इधर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, उसको हमने एड्रेस को पेस्ट कर दिया, और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड पूछा जाएगा, एक कोड आएगा अपने ईमेल पे, वो कोड डालना है, उसके बाद पासवर्ड पूछा जाएगा। वो पासवर्ड कौन सा है, जो हमने पहले सेटअप किया है, जो विड्रॉल इधर क्लिक करके ट्रेडिंग पासवर्ड सेटअप किया वो डालना, जो नंबर रहता है 6 डिजिट का, ठीक है। इतना कुछ समझ गए कम्प्लीटली, इसके बारे में आप समझ गए। अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है और आपको कितने टोकन माइन होते हैं गाइज, डेली के डेली विदाउट रेफर भी 9 टोकन माइन होते हैं हर 24 घंटे में, ठीक है। और इसकी प्राइस आपको दिखा देता हूँ, तो
तो गाइस ये देख सकते हो बायबिट के अंदर मैंने कैंडी टोकन लिखा, तो प्राइस देख लो $0.2। ओमेगा नेटवर्क से बहुत बेहतरीन है, $0.2 की प्राइस चल रही है। मतलब आप समझ लो आपके पास $3-4 पर डे के $3 से $3.5 बन जाते हैं विदाउट रेफर भी, ठीक है, पर डे का। आप अगर रेफर करोगे तो आपके ज़्यादा स्पीड से माइनिंग होगी और इंस्टेंट विड्रॉल है। बायबिट पे आके आप सेल भी कर सकते हो इंस्टेंट के इंस्टेंट, इधर ट्रेड सेक्शन पे आके इधर डिपॉजिट करने के बाद। तो आई होप आपको कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ कैसे माइनिंग करनी है, कैसे साइनअप करना है, कैसे विड्रॉल लेना है, कैसे KYC करनी है, ठीक है। तो 12 डेज के बाद आप विड्रॉल कर पाओगे, तो 12 डेज तक माइनिंग करो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।